नंबर 10 ब्लू मार्लिन। किसी शिप के लिए एक वोयेज में 75,000 टन के कार्गो को ट्रांसपोर्ट करना लगभग नामुमकिन है। ये ब्लू मार्लिन डॉकवाइज कंपनी का एक कार्गो शिप है। ये शिप ऑयल प्लेटफॉर्म्स, एयरक्राफ्ट कैरियर्स और दूसरे कार्गो शिप्स को भी समुद्र के जरिए ट्रांसपोर्ट कर सकती है। इस शिप का बड़ा साइज बहुत इम्प्रेसिव है। ये 225 मीटर लंबी है, 47 मीटर गहरी है और इसका मेन डेक 2 सॉकर फील्ड जितना बड़ा है। इस बड़े शिप को स्टार्ट करने के लिए बहुत से 70,000 हॉर्स पावर वाले डीजल इंजन की जरूरत पड़ती है। इस शिप की स्पीड 13 नॉट्स है, यानी ये 25 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पर चलती है। इस शिप का इस्तेमाल बहुत भारी कार्गो को ट्रांसपोर्ट करने में होता है, जिनमें मिलिट्री वेजल्स जैसे कि यूएसएस कोल और एक ऑस्ट्रेलियन एयरक्राफ्ट कैरियर भी शामिल है। ये ब्लू मार्लिन के द्वारा ट्रांसपोर्ट की गई सबसे बड़ी कार्गो के सामने कुछ भी नहीं। इस शिप को कोरिया से गल्फ ऑफ मैक्सिको तक सबसे बड़े ऑफशोर ऑयल प्लेटफॉर्म ट्रांसपोर्ट करने के काम पर लगाया था। नंबर 9 वैनगार्ड। इस शिप को ह्यूंडाई कोरियन शिपयार्ड्स में बनाया गया है और ये दुनिया की सबसे बड़ी लिफ्ट शिप है। ये शिप ब्लू मार्लिन से भी बड़ी है क्योंकि इसकी ओवरऑल लेंथ 275 मीटर और इसकी बीम है 80 मीटर। शिप का डीजल प्रोपल्शन प्लांट 27 मेगावाट्स की पावर प्रोड्यूस करता है। शिप के इलेक्ट्रिक प्लांट में 2 डीजल जनरेटर्स हैं, जिनमें 6 इनलाइन सिलेंडर्स हैं जो 4,350 किलोवाट्स की पावर प्रोड्यूस करते हैं। इसमें 2 12 सिलेंडर V डीजल जनरेटर्स हैं जो 8,700 किलोवाट्स प्रोड्यूस करते हैं और 1 डीजल जनरेटर जो कि 1,200 किलोवाट प्रोड्यूस करता है। इतने हेवी कार्गो को ट्रांसपोर्ट करने के लिए दोनों शिप ब्लू मार्लिन और वैनगार्ड में स्पेशल फीचर होता है। ये पानी में 13 मीटर तक डूब सकती है। अपने टैंक्स में पानी भरकर दूसरे शिप्स और फ्लोटिंग स्ट्रक्चर्स को कैरी करती है। जब कार्गो डेक पर होता है, शिप के टैंक खाली हो जाते हैं और उनके डेक्स वापस पानी के सरफेस पर आ जाते हैं। नंबर 8 निमित्ज। ये शिप्स सबसे अच्छी एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, जिनमें 97,000 टन से ज्यादा के फुल लोड डिस्प्लेसमेंट की क्षमता है और ये दुनिया में सबसे बड़ी वॉरशिप्स हैं। पहली निमित्ज शिप 1975 में तैनात की गई थी और 10वीं और आखिरी शिप, जिसका नाम था जॉर्ज एच डब्ल्यू बुश, 2009 में कमीशन की गई थी। इस तरह के एयरक्राफ्ट कैरियर्स की सर्विस लाइफ 50 साल से ज्यादा की होती है और इन्हें सिर्फ एक मिड लाइफ ओवरहॉल की जरूरत होती है। इस सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर की लंबाई है 332.8 मीटर और इसकी बीम है 77 मीटर। इसका डेक 4.5 एकड़ का है और ये 90 फाइटर प्लेन्स को कैरी कर सकती है। ये शिप्स पानी से 20 टावर ऊपर होती है और 3,000 से 3,200 क्रू मेंबर्स को एकोमोडेट कर सकती है। 1,500 एयर क्रू मेंबर्स और 500 दूसरे लोग जो इन वॉर जायंट्स को ऑपरेट करते हैं। नंबर 7 ओएसिस ऑफ द सीज। एक कंपनी रॉयल कैरेबियन ने 500 नेवल इंजीनियर्स को एक बड़े क्रूज शिप को 3 साल में बनाने के लिए हायर किया। ये शिप टूरिस्ट को लग्जरी और कंफर्ट देती है। इसमें स्मॉल स्केल शिप मॉडल्स हैं, सीढ़ियां हैं, एलिवेटर्स हैं, मिरर्स हैं और एक लाजवाब वर्क्स ऑफ आर्ट का कलेक्शन। आर्ट कलेक्शन में 7,000 से ज्यादा इंटरनेशनल आर्टिस्ट की पेंटिंग है। ये शिप 17 फ्लोर हाई है, 361 मीटर लंबी है और इसका वजन 2,25,000 टन से भी ज्यादा है। ये शिप 6,300 पैसेंजर्स को ले जा सकती है बिना 2,160 क्रू मेंबर्स को इंक्लूड किए। ओएसिस ऑफ द सी में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, रिमार्केबल इंजीनियरिंग डेवलपमेंट्स और नेवल कंस्ट्रक्शन है। शिप अपने पानी को प्यूरिफाई कर सकती है और ब्रिजेस के नीचे से गुजरते समय अपने फनल्स को रिट्रैक्ट कर सकती है। कंस्ट्रक्शन के दौरान इसमें 25,000 स्क्वायर मीटर स्टील, 5,000 किलोमीटर केबल और 6,00,000 लीटर पेंट का इस्तेमाल हुआ था। ये शिप एक रियल वाटर मॉन्स्टर है। इसमें 2,700 एक्सक्लूसिव रिसेप्शन रूम्स हैं, एनर्जी जनरेटर्स हैं, फ्रेश वाटर और सीवेज प्लांट्स हैं, एक आउटडोर एम्पी थिएटर है, एक स्विमिंग पूल है वाटर वेव सिमुलेटर के साथ और वॉल्स है आर्टिफिशियल रॉक से बनी, जिस पर रॉक क्लाइंबिंग की प्रैक्टिस की जा सकती है। नंबर 6 CSCL ग्लोब। दिसंबर 2014 में शिप CSCL ग्लोब, जो 19,100 स्टैंडर्ड साइज्ड कंटेनर्स को ट्रांसपोर्ट कर सकती है, दुनिया की सबसे बड़ी कंटेनर शिप बन गई।
इसे ओन करती है कंपनी चाइना शिपिंग कंटेनर लाइंस। ये मेगा शिप 4 सॉकर फील्ड्स जितनी बड़ी है। इस शिप की ओनर कंपनी ने डिक्लेयर किया है कि इस शिप की लेंथ है 400 मीटर और इसका बीम है 60 मीटर। ये बड़ी कार्गो शिप जिसे कंपनी ने साउथ कोरियन शिपयार्ड से ऑर्डर किया था। ये शिप 19,100 स्टैंडर्ड साइज्ड कंटेनर्स को ट्रांसपोर्ट कर सकती है। अगर इन कंटेनर्स को हम एक के ऊपर एक रखेंगे तो इसकी हाइट माउंट एवरेस्ट से 5 गुना ज्यादा हो जाएगी। ये कंटेनर शिप 200 मिलियन इलेक्ट्रॉनिक टैबलेट्स को सिर्फ एक वॉयज में ट्रांसपोर्ट कर सकती है। नंबर 5 CMA CGM। ये बड़ी शिप जिसकी लंबाई है 396 मीटर और बीम है 54 मीटर और ड्राफ्ट है 16 मीटर दुनिया की सबसे बड़ी कंटेनर शिप्स में से एक है। लेकिन आजकल इसकी ओनर कंपनी के पास और भी बड़े कंटेनर शिप्स हैं और दूसरी इम्पोर्टेंट शिपिंग कंपनीज ओशियंस में नेविगेट करने के लिए बड़ी शिप्स को डेवलप और लॉन्च करती रहती है। ये शिप 16,000 कंटेनर को ट्रांसपोर्ट कर सकती है। इस शिप की ओनर कंपनी कटिंग एज टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट कर रही है और बड़े इक्विपमेंट ला रही है शिपिंग इंडस्ट्री के करंट ट्रेंड को फॉलो करने के लिए। नंबर 4 MSC ऑस्कर। कंटेनर शिप मैन्युफैक्चरर्स के बीच एक रेस लगी हुई है दुनिया के सबसे बड़े कंटेनर शिप का टाइटल हासिल करने की। पिछला शिप CSCL ग्लोब सिर्फ 2 महीने के लिए ही दुनिया का सबसे बड़ा शिप था, जब तक कि 14 जनवरी 2015 में MSC ऑस्कर लॉन्च नहीं हुआ। शॉकिंगली ये शिप CSCL ग्लोब से 5 मीटर छोटा है, फिर भी ये CSCL ग्लोब को पीछे छोड़ती है क्योंकि ये कार्गो कैपेसिटी में थोड़ी सी बेटर है, जो कि 19,224 कंटेनर्स को ट्रांसपोर्ट कर सकती है। इसका टोटल डेडवेट टनेज है 197,362 DWT और डबल हल है ताकि वर्स्ट मीटियोरोलॉजिकल कंडीशंस में एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस मिल सके जब ये पूरी तरह से लोड हो। इस शिप का सुपर स्ट्रक्चर शिप की ओवरऑल लेंथ के सेंटर में लोकेटेड है, साथ ही इसमें 30 लोगों को एकोमोडेट करने का स्पेस है। इस शिप का प्रोपल्शन प्लांट 16 मेगावाट की पावर जनरेट करता है और 10 मीटर के प्रोपेलर जिसमें 5 ब्लेड्स हैं, जो शिप को 22.8 नॉट्स यानी 43 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पर नेविगेट करते हैं और 42 किलोमीटर की ऑपरेटिंग रेंज देते हैं। नंबर 3 MMS MMS मर्स्क क्लास की पहली शिप है और 2006 की सबसे बड़ी कंटेनर शिप भी। मर्स्क कंपनी के इंजीनियर्स ने टोटल इस क्लास की 8 शिप्स को डेनमार्क शिपयार्ड्स में बनाया था एक्सक्लूसिवली एक क्लाइंट के लिए 2006 से 2008 तक। इस तरह के शिप्स का डेडवेट टनेज है 160,000 DWT, ओवरऑल लेंथ है 397.71 मीटर और इसकी बीम है 57 मीटर। ये 14,770 कंटेनर्स को ट्रांसपोर्ट कर सकती है। ये कंटेनर शिप्स 14 सिलेंडर इंजन से चलती है जो कि 80,000 किलोवाट्स की लगातार पावर जनरेट करता है 102 RPM पर। ये कंटेनर शिप 25.3 नॉट्स की सर्विस स्पीड तक, जो कि जमीन की 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड के बराबर है। नंबर 2 मॉलर मर्स्क। ये बड़ी शिप अभी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कंटेनर शिप है। इसकी कार्गो कैपेसिटी है 18,270 कंटेनर्स। इस शिप का डेडवेट टनेज है 165,000 DWT, ओवरऑल लेंथ है 399 मीटर्स, बीम है 59 मीटर्स और एक ड्राफ्ट है 14.5 मीटर्स का। इस क्लास की 20 शिप्स हैं जो इस प्लैनेट के ओशियंस पर चलती है। ये बड़े कोलोसल स्ट्रक्चर्स 2 इंजन के इंटीग्रेटेड सिस्टम से चलते हैं, जो कि 30,000 किलोवाट्स की है और इसमें 2 प्रोपेलर्स हैं। इस शिप में है एक हीट रिकवरी सिस्टम जो इंजन की 10% एनर्जी कंजम्पशन को बचाता है। ऐसा जाना जाता है कि ये शिप्स पुरानी कंटेनर शिप्स के मुकाबले कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशंस को पर कंटेनर 20% तक कम कर देती है। नंबर 1 प्रील्यूड FLNG। एक कंपनी शेल ने टेक्निप और सैमसंग के कोलैबोरेशन में अपना लास्ट प्रोजेक्ट अनाउंस किया है, प्रील्यूड। दरअसल वो दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट बनाना चाहते थे। इस शिप को 110,000 बैरल्स ऑयल एक्सट्रैक्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसे 260,000 मैट्रिक टन स्टील से बनाया जा रहा था,
जो कि गोल्डन गेट ब्रिज सैन फ्रांसिस्को में लगने वाले सील से भी ज्यादा है। शिप प्रीलूड 488 मीटर लंबी, 74 मीटर चौड़ी और इसका वजन है 600,000 टन्स। इसे इस तरह डिजाइन किया गया है कि ये खराब मीटरोलॉजिकल कंडीशंस में काम कर सके और एक्सट्रैक्ट की गई नेचुरल गैस की वैल्यू को बरकरार रख सके। साथ ही इस शिप को चलाने के लिए 6,700 हॉर्स पावर के इंजन्स हैं और ये 5 डिग्री कैटेगरी के तूफानों को झेल सकती है। इस फैसिलिटी की मदद से नई एनर्जी एक्सप्लोर की जा सकेगी और ये करीब 3.6 मिलियन टन लिक्विफाइड नेचुरल गैस पर ईयर प्रोसेस कर सकेगी, जिससे फ्यूचर की ग्रोइंग डिमांड पूरी हो सके।